दिल्ली के डायमंड पिक्चर हॉल में फिल्म दसवीं का प्रेस शो हुआ। प्रेस शो में फिल्म दसवीं के डायरेक्टर से एक खास बात हुई। फिल्म में समाज के ठेकेदारों को दर्शाया गया कि वो किस तरीके से क्रिश्चियन मुस्लिम सबके जितने भी हम महागुरु बने हुए हैं, इनका जो आपने एक तरीके से दिखाया है कि रेप का इनका, तो ये कंसेप्ट कहाँ से आया सर? नहीं, ये हकीकत तो है ना सर। हकीकत तो रेपिस्ट कोई जात धर्म नहीं होती, वो शैतानी है। नहीं तो आपको कहीं बनाते हुए ये नहीं लगा कि जो रियल में हिंदू धर्म है, कि इनके जो गुरु है बैठे हैं, इसका ऑपोजिशन होगा फिल्म? नहीं, क्यों होगा? हमारे आसपास जो घटना घट रही है, हम आप पत्रकार, हम कलाकार, आर्टिस्ट, राइटर, अगर डरने लगे तो समझ के आना बोल दीजिए। कास्टिंग को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? फिल्म की कास्टिंग बेहतर हुई, मुझे थोड़ा वक्त लगा, लेकिन जो जो मुझे मेरे किरदार मिलते गए और मैं कास्टिंग फाइनल करते गए। मैंने किसी बड़े चेहरे या आर्टिस्ट को नहीं भागा, मुझे मेरे किरदार चाहिए। जिसमें मुझे किरदार मिला वो किरदार मैं लेते गया और आज कास्टिंग करके। मूवी में जो नित्यानंद जी का नाम है, वो रियल एक्सीडेंट आ रहे हैं आपके? बिल्कुल नहीं, ऐसे तो नित्यानंद बहुत सारे हैं, कोई भी नहीं, कोई किसी से इंस्पायर नहीं। अच्छा सर, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आपने इस फिल्म को कितने दिनों में कंप्लीट किया है और इसकी जो लोकेशंस हैं वो एक्चुअल में आपने कौन सी लोकेशंस को ज्यादा? इसको टोटल शूट करने में मुझे 65-70 दिन का समय लगा। मेजर शूट हमने यूपी में किया है, लखनऊ, मलियाबाद, कानपुर और बाकी थोड़ा सा हिस्सा मुंबई में कर। बाकी मुझे ऑल ओवर इंडिया से फुटेज चाहिए थे तो जो मैंने शूट किए। क्या कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े शूट के टाइम पर जो आप शेयर करना चाहेंगे? काफ़ी कुछ चैलेंजेस शूट करने पड़े, जैसे कि इसमें एक मलियाबाद में हम लोग को मस्जिद में एक सीन करना था। मस्जिद के सामने ही मलियाबाद, आपको पता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का एरिया है, इलाका है, और उसी के अगेंस्ट वहाँ पर डायलॉग है, मौलाना के अगेंस्ट के डायलॉग है। तो हमें ये थोड़ा सा था कि यहाँ पर मसला क्रिएट हो सकता है, लेकिन टचवुड वहाँ की जनता समझदार है। जैसे वो सीन वन टेक कट हुआ, जितने भी क्राउड खड़ा था, कम से कम 200-300 लोग वहाँ खड़े थे, सभी ने तालियां बजाई। मतलब हिंदुस्तान में आज भी इंसानियत जिंदा है। सर, मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैसेज यही देना चाहता हूँ कि अगर हम हिंदुस्तान में रहकर आज हमारे कल्चर की बात करते, सभ्यता की बात करते, समाज कोई भी हो, तो हम महिला का सम्मान सबसे ऊपर रखते, तो ये हकीकत कब बनेगी? कब हम महिला के सम्मान की कदर करना सीखेंगे? क्या वो एक खिलौना है? 2 साल की बच्ची को नहीं छोड़ते आप? बिल्कुल सर। और ऐसे लोग हैं जो भगवान बन के बैठे। ठीक है सर, थैंक यू। पर हम जनता को भी आवाज उठानी बोल सकते। ठीक है सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। क्योंकि जो नारी टू नारायणी चल रहा है ना, बहुत अच्छा आपने कंसेप्ट लेकर के चले इसमें, बहुत बढ़िया। इस तरह की नई और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अखंड भारत टीवी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।